इस वीडियो में लेसन नंबर 5 ट्रैफिक सेंस की एक्टिविटीज को मुकम्मल किया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं रीडिंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन ए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मंदरजा जेल सवाल जो हैं उनके जवाब देने हैं। नंबर 1, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। ट्रैफिक के जो हादसात होते हैं उनकी क्या वजूहात होती हैं, इसका जवाब हमें मिलता है पैराग्राफ नंबर 1 में। इसके सेकेंड सेंटेंस को देखते हैं जिसमें बताया जा रहा है, एक्सीडेंट्स आर मोस्टली कॉज बाय आवर केयरलेसनेस, यानी हमारी अपनी लापरवाही की वजह से हादसात पेश आते हैं। समवन मे वॉक इन टू द रोड विदाउट लुकिंग आउट एंड बी हिट बाय अ व्हीकल, जैसे कोई शख्स अगर रोड का ध्यान किए बगैर एकदम रोड पर आ जाता है तो किसी गाड़ी वगैरह से टकरा सकता है। इसी तरह से चिल्ड्रन प्लेइंग इन अ बिजी स्ट्रीट में नॉट बी अवेयर ऑफ अ फास्ट अप्रोचिंग व्हीकल, तो यहाँ बच्चों से मुतलक बात हो रही है जब वो किसी मसरूफ़ गली या सड़क के करीब खेल रहे होते हैं और सामने से तेज़ी से आने वाली किसी सवारी का उनको अंदाज़ा नहीं होता, तो इस तरह से ये हादसा पेश आते हैं। तो इन दो तीन जुमलों को आप इस सवाल के जवाब के तौर पर लिख सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन वी अवॉइड एक्सीडेंट्स, हम किस तरह से हादसा से बच सकते हैं। तो इसका जवाब हमें मिलता है पैराग्राफ नंबर 2 में जिसमें बात हो रही है कि देर विल बी फ्यूअर रोड एक्सीडेंट्स इफ़ पीपल ऑन द रोड हैव ट्रैफिक सेंस, तो यानी यहाँ इस बात पर जोर दिया गया है कि ट्रैफिक सेंस यानी ट्रैफिक से मुतालिक आगही या समझ बूझ जो है वो हादसा से बचा सकती है। तो इस तरह से यहाँ ये जवाब मुकम्मल हो जाता है। क्वेश्चन 3, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रैफिक लाइट्स, इसका जवाब हमें यहाँ मिलता है पैराग्राफ 3 में जहाँ बताया गया है कि ऑलवेज ओबे द ट्रैफिक लाइट्स फॉर रोड सेफ्टी, यानी रोड सेफ्टी के लिए रोड पर महफूज रहने के लिए ट्रैफिक लाइट्स के मुताबिक चलना होता है और उसके मुताबिक चलना चाहिए। और फिर ये पूरी तफसील यहाँ मौजूद है कि किस तरह से जब ट्रैफिक सिग्नल रेड होता है तो वहाँ रुकना होता है, येलो पर रेडी हो जाना होता है और फिर जो ग्रीन सिग्नल है इस पर आप मूव कर सकते हैं अगर आप गाड़ी या बाइसिकल चला रहे हैं। और इसके साथ ही एक अहम बात जो यहाँ शामिल कर सकते हैं जवाब में वो ये है कि वायलेशन ऑफ दीज रूल्स में कॉज सीरियस एक्सीडेंट्स, कि अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे जिस वक्त ट्रैफिक चल रही हो, सिग्नल ग्रीन हो और उस वक्त अगर कोई रोड क्रॉस करने की कोशिश करे तो उसको हादसा पेश आ सकता है। लिहाजा ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन्हें आप इस सवाल के जवाब में शामिल कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, हाउ इज़ द ट्रैफिक कंट्रोल्ड इन बिग सिटीज़, बड़े शहरों में ट्रैफिक को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। तो इसके जवाब के तौर में जवाब के लिए हम ये दो पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। पहले तो जवाब को इस तरह से शुरू करेंगे द से कैपिटल टी के साथ, द ट्रैफिक कंट्रोल, द के बाद इज़ का इजाफा करेंगे, द ट्रैफिक इज़ कंट्रो, माफ़ कीजिएगा, ट्रैफिक के बाद इज़ का इजाफा होगा तो ये जुमला बन जाएगा द ट्रैफिक इज़ कंट्रोल्ड इन बिग सिटीज़, और फिर आप ये हिस्सा शामिल कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ के अल्फाज के इजाफे के साथ और आखिर में ट्रैफिक लाइट्स, तो ये पूरा जुमला क्या हो जाएगा, द ट्रैफिक इज कंट्रोल्ड इन बिग सिटीज़, और फिर इसको कंटिन्यू करेंगे विद दी हेल्प ऑफ ट्रैफिक लाइट्स फुल स्टॉप, और फिर एक और जुमला शामिल करते हैं अगले पैराग्राफ में से, मैनी मोर ट्रैफिक रूल्स एंड रोड साइंस आर देयर, और फॉर यू के अल्फाज को कट कर देते हैं और ये कंटिन्यू करेंगे फिर टू से, टू डिवेलप अ ट्रैफिक सेंस। तो इस तरह से ये जवाब मुकम्मल हो जाएगा, यानी पहले जुमले के बाद फिर आपने ये दूसरा जुमला लिखना है कि मैनी मोर ट्रैफिक रूल्स एंड रोड साइंस आर देयर टू डेवलप अ ट्रैफिक सेंस, यानी ट्रैफिक लाइट्स के अलावा भी बहुत से और ट्रैफिक के कवानीन और इसके अलावा रोड पर साइंस वगैरह मौजूद होते हैं जिनकी मदद से बड़े शहरों में एक ट्रैफिक सेंस लोगों के अंदर राइज की जाती है या डेवलप की जाती है। और इसके साथ एक जुमला हम और ऐड कर सकते हैं इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए कि ट्रैफिक सेंस के डेवलप होने से क्या फ़ायदा होता है, कि सवाल के मुताबिक ट्रैफिक कंट्रोल करने में मदद मिलती है। तो इस बात को किस तरह से इंग्लिश में लिखेंगे,
दिस ऑल्सो हेल्प्स टू कंट्रोल द ट्रैफिक, यानी इस बात से भी ट्रैफिक को कंट्रोल करने में मदद मिलती है, क्योंकि अगर ये कवानीन और साइन बोर्ड्स वगैरह मौजूद ना हो तो लोग खासी कंफ्यूजन का शिकार हो सकते हैं, हादसा भी पेश आ सकते हैं। अगला सवाल, व्हाट शुड द ड्राइवर डू व्हेन देर इज़ अ रेड लाइट, यानी जब ट्रैफिक का जो सिग्नल है वो रेड हो जाता है, लाल हो जाता है, तो ड्राइवर को क्या करना चाहिए? इसका जवाब बनाने के लिए शुरू के अल्फाज को कट कर देते हैं, द से शुरू करेंगे कैपिटल टी के साथ द ड्राइवर, और अब यहाँ पर शुड का लफ्ज़ ऐड करेंगे, डू को कट कर देंगे, द ड्राइवर शुड, और इसके बाद उसे रुकना है तो इसके लिए स्टॉप का लफ्ज़ द ड्राइवर शुड स्टॉप, और फिर बाकी का जुमला इसके बाद लिख देंगे व्हेन देर इज़ अ रेड लाइट, और आखिर में लगा देंगे फुल स्टॉप। इस पूरे जवाब को एक मरतबा फिर पढ़ते हैं, द ड्राइवर शुड स्टॉप व्हेन देर इज़ अ रेड लाइट। तो ये जवाब यहाँ मुकम्मल हो गया। आप देखते हैं सेक्शन बी क्या करना है। टिक द करेक्ट ऑप्शन, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाना है। नंबर वन, एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय, यानी हादसा जो हैं वो किस वजह से होते हैं। चॉइसेस हैं हमारे पास, ए क्राउडेड रोड्स, रोड्स पर रश होने की वजह से, बी ट्रैफिक जैम्स, जब ट्रैफिक जो है वो रुक जाता है, सी केयरलेसनेस ऑफ द पीपल, लोगों की लापरवाही की वजह से, डी रैश ड्राइविंग की वजह से, यानी जब बहुत तेज़ी से गाड़ी लोग चलाते हैं। तो इस लेसन के मुताबिक वहाँ पर पैराग्राफ वन में हमें बताया गया था कि ज़्यादातर केयरलेसनेस ऑफ द पीपल, जो लोगों की लापरवाही है, उसकी वजह से ऐसा होता है, तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर टू, डू नॉट वॉक ऑन द रोड, यानी रोड पर आपने किस वक्त नहीं चलना। ऑप्शंस हैं ए इफ़ देर आर सो मैनी पीपल, अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हों, बी इफ़ देर इज़ अ पेवमेंट, अगर वहाँ पर कोई पाथ वगैरह हो, फुटपाथ, सी इफ़ देर इज़ अ ट्रैफिक जैम, अगर वहाँ पर ट्रैफिक जाम हो, डी इफ़ यू आर इन अ हरी, आप बहुत जल्दी में हो। तो दुरुस्त जवाब जो है वो है बी इफ़ देर इज़ अ पेवमेंट, यानी अगर वहाँ पर फुटपाथ बना हो तो फिर आपको रोड पर नहीं चलना बल्कि फुटपाथ पर चलना है। क्वेश्चन थ्री, जेब्रा क्रॉसिंग्स आर, यानी जेब्रा क्रॉसिंग जो होती है, काली और सफ़ेद जो धारियाँ बनी होती हैं चौक के करीब इशारे के पास, जहाँ से पैदल गुजरने वालों का ये रास्ता बनाया गया होता है, तो इसके मुतालिक पूछा जा रहा है कि जेब्रा क्रॉसिंग्स आर ए फॉर द सेफ्टी ऑफ द पेडेस्ट्रियन, यानी पैदल चलने वाले लोगों की हिफाजत के लिए होती हैं, बी फॉर ट्रैफिक कंट्रोल, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, सी फॉर द डेकोरेशन ऑफ द रोड, रोड को सजाने के लिए, या डी फॉर पीपल टू क्रॉस द रोड, लोगों के रोड पार करने के लिए निशान लगाए गए होते हैं। तो दुरुस्त जवाब है डी फॉर पीपल टू क्रॉस द रोड, ताकि लोग वहां से रोड क्रॉस कर सकें जब ट्रैफिक रुक जाता है, यानी ट्रैफिक जब बिल्कुल थम जाती है, कोई भी गाड़ी मूव नहीं कर रही होती, जैसे कि रेड सिग्नल का साइन होता है, तो उस वक्त रोड क्रॉस करनी होती है जेब्रा क्रॉसिंग के निशानात के ऊपर से। नंबर फोर, व्हेन द लाइट टर्न्स येलो, जब सिग्नल जो है वो पीला होता है, तो उस वक्त क्या करना होता है? वी मस्ट स्टॉप एंड वेट, हमें रुक कर इंतज़ार करना होता है, वी मस्ट मूव ऑन, हमें आगे चलना होता है, सी वी मस्ट गेट रेडी विदाउट मूविंग, हमें तैयार रहना होता है, चुकन्ना रहना होता है, लेकिन बिना अपनी जगह से हिले, डी वी मस्ट कीप एन आई ऑन द लाइट, हमें लाइट पर नज़र रखनी होती है। तो दुरुस्त जवाब है वी मस्ट गेट सी वी मस्ट गेट रेडी विदाउट मूविंग। नंबर फाइव, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कैन बी डिक्रीज्ड, यानी हादसा की जो तादाद है, नंबर है, वो उसको कम किया जा सकता है। किस तरीके से? ए इफ़ द पीपल हैव ट्रैफिक सेंस, अगर लोगों में ट्रैफिक की सूझबूझ हो, समझ हो, आगाही हो, बी इफ़ द पीपल आर मोर केयरफुल, अगर लोग और मोहतात हो जाएं, सी यानी एहतियात से काम लें, सी इफ़ द पीपल डू नॉट वॉक इन टू द रोड, अगर लोग रोड पर चलना छोड़ दें, डी इफ़ द पीपल वॉक ओनली ऑन पेवमेंट्स, अगर लोग सिर्फ जो रोड के साथ चलने की जगह बनी होती है या फुटपाथ वगैरह होते हैं उस पर चलें। तो इसका दुरुस्त जवाब है जो कि इस लेसन के मुताबिक है वो है ए इफ़ द पीपल हैव ट्रैफिक सेंस, लोगों में ट्रैफिक सेंस होगा तो ये बाकी की सब बातें भी इसमें शामिल हो जाती हैं, तो दुरुस्त जवाब है ए। अब ये जो निशान बना है जिसमें पैदल चलते हुए लोगों को दिखाया गया है,
इज़ द रोड साइन ऑफ, ये किस बात का इशारा है या साइन है? ए पाथ फॉर द साइकिलिस्ट, ये साइकिल चलाने वालों के लिए रास्ता बताया गया है, या बी पेडेस्ट्रियन पाथ है, पैदल चलने वालों के लिए का ये रास्ता है उसका निशान है, सी नो पार्किंग का निशान है यानी गाड़ी नहीं खड़ी करनी यहाँ, या डी नो एंट्री फॉर द साइकिलिस्ट, साइकिलिस्ट जो साइकिल सवार हैं उनका दाखिला ममनू है। तो इनमें से ये जो इसका दुरुस्त जवाब है वो होगा पेडेस्ट्रियन पाथ, यानी पैदल चलने वाले लोगों का ये रास्ता है, उसका ये निशान है। तो ये एक्टिविटीज़ यहाँ मुकम्मल हो गई हैं, अब आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने, समझने और लिखकर प्रैक्टिस करने की कोशिश जारी रखिए।